So hey guys, welcome and welcome back to our YouTube channel Property Master. This is me Anshul Chandra. So guys, I do काफ़ी time से आप हमारी videos miss कर रहे थे Property Master के channel पे. So अब हमारी videos अब continuity में रहेंगी, ये मैं आपको promise करती हूँ. So guys, आज हम आपके लिए बहुत ही amazing builder floor लेके आए हैं. ये sector 89 की location में located है. पूरी का project है ये luxury के नाम से and ये बहुत ही famous है greater फरीदाबाद की location में. सो गाइज, जिस बिल्डर फ्लोर, जिस यूनिट की मैं हम बात कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी लोकेशन पे लोकेटेड है. गेटेड सोसाइटी है एंड 359 स्क्वायर यार्ड इसका एरिया है. एंड ये बिल्डर फ्लोर पार्क फेसिंग है. पार्क फेसिंग आपको मिल रहा है, किड्स प्ले एरिया है यहाँ पे. एंड यहाँ पे आपको साथ में पूल भी मिल जाता है. सो आगे बहुत सारी इसकी क्वालिटीज़ हैं जो कि मैं आगे आपको चलने पर वीडियोज़ में दिखाती हूँ. अब हम एंटर कर रहे हैं हमारे प्यारे से बिल्डर फ्लोर के अंदर. यहाँ पे एंट्रेंस पे देख लीजिए, आपको वुडन सॉलिड डोर मिल जाता है. एंड यहाँ पे आपको मिल रहा है कॉन्टैक्टलेस वीडियो डोर, जो कि सिक्योरिटी पर्पसेस सभी जानते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है. सो अब देख लीजिए हमारा काफ़ी डिसेंट स्पेस में ड्रॉइंग रूम स्पेस देख लीजिए. काफ़ी डिसेंट आपको यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है. और ये वॉल देख लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल आपको फ्लोरल वॉल दी हुई है जो कि यहाँ पे इस ड्राइंग रूम को बहुत ही ब्राइट लुक दे रही है. अब देख लीजिए हमारी फॉल सीलिंग, वुडन में आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है, बहुत ही डिसेंट आपको ये मिल रही है. एंड शैंडलियर देख लीजिए, बहुत ही सुंदर आपको शैंडलियर मिल रहा है. एंड इसी के जस्ट सामने अब हम बात करते हैं हमारे टीवी पैनल की. यहाँ पे टीवी पैनल देख लीजिए, यहाँ पे काफ़ी डिसेंट स्पेस मिल रहा है. तो आप अपना कोई भी साइज़ का आप अपना टीवी आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं. अब इसी के साथ हम हमारे मेन पार्ट में चलते हैं, जो कि किसी भी बिल्डर फ्लोर का बहुत ही मेन पार्ट होता है, वो है किचन. सो गाइज, अब हम चलते हैं हमारे किचन एरिया में. साइज देख लीजिए, काफ़ी अच्छा साइज़ मिल रहा है. यहाँ पर आप आराम से अपना किचन वर्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आराम से आ सकते हैं. कोई भी यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है किचन में काम करने में. सो अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे किचन में क्या क्या हमें आपको दिया हुआ है. यहाँ पे आपको देख लीजिए, टू बोल सिंक मिल रही है वेजिटेबल ट्रे के साथ. एंड यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे सैनिटरी फिटिंग्स दी हुई है, जैगुआर की आपको सैनिटरी फिटिंग्स मिल रही है. नीचे कैबिनेट्स देख लीजिए, काफ़ी सारे आपको कैबिनेट्स मिल रहे हैं. तो यहाँ पे आपको स्टोरेज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. यहाँ पे देख लीजिए कैबिनेट्स देख लीजिए आप, काफ़ी स्पेस में आपको कैबिनेट्स मिल रहे हैं. पुल आउट्स देख लीजिए, बहुत ही सॉफ्ट क्लोजर में आपको पुल आउट्स मिल रहे हैं. एंड यहाँ पे सेंसर लाइट्स के साथ आपको कैबिनेट्स दिए हुए हैं. यहाँ पर आप अपनी कुछ भी अच्छी जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं आप अपना स्टोर कर सकते हैं. यहाँ पर आपको चिमनी ऑलरेडी फिटेड आपको मिल रही है होप के लिए. यहाँ पर आपको स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे सेंसर लाइट के साथ, जैसे मैंने वहाँ पे बताया, बहुत ही अच्छे कलर कॉम्बिनेशन में आपको मिल रहे हैं. एंड यहाँ पे आपको अपने फ्रिज के लिए अलग से डेडिकेटेडली स्पेस दिया हुआ है. एंड ये आ जाती है हमारी क्रॉकरी यूनिट, देख लीजिए गाइस, काफ़ी अच्छे स्पेस में आपको क्रॉकरी यूनिट मिल रही है ये आपकी. एंट्रेंस देख लीजिए, इसकी काफ़ी डिसेंट आपको मिल जाती है वुडन में. यहाँ पे लाइट्स देख लीजिए. और एक बहुत ही मेन चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ की आप एक बारी फॉल सीलिंग देख लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है. लाइट्स देख लीजिए, ये लैंप्स आपको बहुत ही यूनिक लुक दे रहे हैं इस किचन को. सो गाइज, अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की ओर. सो गाइज, ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम, काफ़ी डिसेंट स्पेस में आपको मिल रहा है इटालियन टाइल्स के साथ. फॉल सीलिंग देख लीजिए, काफ़ी एलिगेंट आपको फॉल सीलिंग मिल रही है एलईडी लाइट्स के साथ. और ये लाइट्स देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल आपको लाइट्स दे रही है, बहुत ही एस्थेटिक लुक दे रही है ये इस रूम को. और यहाँ पे सामने आ जाती है हमारी वार्डरोब्स, एक बार देख लेते हैं. काफ़ी अच्छी खासी आपको स्पेस मिल रही है इस वार्डरोब में भी. आप अपने शूज़, बैग्स, क्लोथ्स आप अच्छे से यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं. एंड यहाँ पर हमारा आ जाता है वॉशरूम, ये वॉशरूम देख लीजिए,
डिसेंट यहाँ पे आपको स्पेस मिल रही है, लाइट देख लीजिए यहाँ पे आपको, टच स्क्रीन आपको यहाँ पे मिरर मिल जाता है एंड यहाँ पे वैनिटी मिल रही है। तो गाइज अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम की ओर। सो गाइज ये है हमारा सेकेंड बेडरूम जो कि मास्टर बेडरूम है, देख लीजिए। इसका भी कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी सूदिंग दिया हुआ है। यहाँ पे ये वॉलपेपर देख लीजिए, फ्लोरल आपको वॉलपेपर दिया हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है ये इस रूम को। एंड यहाँ से हम सामने चलते हैं सीधा हमारे वॉक इन वार्डरोब में, बहुत ही लग्जरी लुक दे रहा है क्योंकि ये इस बेडरूम को साथ में इसके अटैच जो वॉक इन वार्डरोब है। एक बार ही हम देख लेते हैं हमारे कैबिनेट्स हमें कैसे दिए हुए हैं, किस तरह से वार्डरोब्स दिए हुए हैं। सेंसर लाइट्स के साथ आपको मिल जाते हैं काफ़ी डिसेंट स्पेस के साथ। एंड यहाँ पे आपको फुल लेंथ आपको ड्रेसिंग मिल जाती है टच स्क्रीन लाइट के साथ। एंड यहाँ पे अब चलते हैं हमारे बिग साइज वॉशरूम की ओर। यहाँ पे देख लीजिए वैनिटी देख लीजिए, बहुत ही बड़ी बिग साइज में आपको वैनिटी मिल रही है, टच स्क्रीन मिरर यहाँ पे भी मैं आपको मिल रहा है। एंड यहाँ पे आपका बाथिंग एरिया शावर एरिया यहाँ पे आपको डेडिकेटली डिफरेंटली दिया हुआ है, इटालियन टाइल्स मिल जाती हैं आपको, बहुत ब्यूटीफुल। सो गाइज इसी के साथ में हमारी बालकनी अटैच है, तो एक बार चल के देख लेते हैं हम हमारी बालकनी। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे एक वुडन आपको डोर मिल रहा है, साथ में आपको मैश डोर मिल रहा है जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ से काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सो गाइज एक बार बालकनी देख लीजिए, काफ़ी अच्छे बिग साइज में आपको बालकनी मिल रही है। ये बालकनी आपके सेकेंड बेडरूम से भी अटैच है एंड यहाँ पे आपको एसएस बार्स दिए हुए हैं जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ से अच्छे ऑप्शन है। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कोई भी, क्योंकि काफ़ी बर्ड्स आ जाते हैं कभी कभी, यहाँ पे मंकीज आ जाते हैं, तो आपको उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये इतनी बिग साइज़ है आप यहाँ पर अपना सेटअप कर सकते हैं, सिटिंग सेटअप कर सकते हैं, आप अपनी इवनिंग टी मॉर्निंग टी आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको वॉशिंग के लिए काफ़ी डिफरेंट एरिया दिया हुआ है, बिल्कुल सेपरेटली आपको एरिया दिया हुआ है, टैप मिल जाता है आपको, तो आप यहाँ पे अपनी वॉशिंग वगैरह क्लीनिंग आराम से कर सकते हैं। सो गाइस ये हमारा थर्ड बेडरूम, यहाँ पे ये आप अपना किड्स एरिया किड्स बेडरूम बना सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग से वार्डरोब मिल जाते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट बेडरूम के साथ ये हमारा वॉशरूम अटैच है इसका, जो कि मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। सो गाइस अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ बेडरूम की ओर। यहाँ पे हमारा ड्राइंग रूम के जस्ट सामने हमारा आ जाता है फोर्थ बेडरूम। टाइल्स देख लीजिए यहाँ पे आपको यूनिक वुडन में टाइल्स मिल रही हैं एंड यहाँ पे देख लीजिए वॉलपेपर देख लीजिए, बहुत ही डिसेंट यहाँ पे लुक में आपको वॉलपेपर मिल रहा है। और ये लाइट्स देख लीजिए, बहुत ही एंटीक आपको यहाँ पे ये लाइट्स मिल रही हैं एंड इसी के जस्ट सामने आ जाता है हमारा वॉक इन वार्डरोब। सो यहाँ पे वार्डरोब्स देख लीजिए गाइस, काफ़ी डिसेंट काफ़ी अच्छे स्पेस में आपको वार्डरोब्स मिल रहे हैं। ड्रेसिंग में आपको बता चुकी हूँ सभी जगह पे आपको टच स्क्रीन आपको ड्रेसिंग मिल रही है। एंड यहाँ से आ जाता है हमारा वॉशरूम, वॉशरूम देख लीजिए डिसेंट स्पेस में मिल रहा है आपको, वैनिटी मिल जाती है, यहाँ पे आपको सेपरेटली आपका शावर एरिया मिल रहा है। सो गाइज अब हम चलते हैं हमारे जस्ट इसी के साथ में जो हमारा है फैमिली लॉन्ज एरिया उसकी ओर। यहाँ पे आपका लिविंग रूम से यहाँ पे आपको पार्टीशन मिल जाता है इसके, यहाँ पे आपको देख लीजिए कैबिनेट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे अपना सामान अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, वुडन कैबिनेट्स मिल जाते हैं। और ये हमारा है फैमिली लॉन्ज एरिया, यहाँ पे आप अपना आराम से टीवी इंस्टॉल करके यहाँ पे सोफ़ा सेट करके आप अपना अच्छे से फैमिली टाइम एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ की आप फॉल सीलिंग देख लीजिए, वुडन में आपको फॉल सीलिंग मिल रही है एलईडी लाइट के साथ। और ये लाइट देख लीजिए, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही प्रिटी आपको यहाँ पर ये लाइट मिल रही है। एंड इसी के जस्ट सामने आ जाती है हमारी फ्रंट बालकनी। सो गाइज ये आ जाती है हमारी फ्रंट की बालकनी जो कि मैंने आपको बताया हमारे लिविंग एरिया के साथ अटैच है एंड हमारे फोर्थ बेडरूम के साथ भी अटैच है।
एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा फ्रंट फेसिंग पार्क फेसिंग हमारी यूनिट हमें मिल रही है, सामने देख लीजिए आपको पार्क मिल जाता है एंड ये एरिया फुल्ली ग्रीन एरिया है, सामने देख लीजिए। सो ग्रीनरी जब आपको एकदम सामने मिल रही है आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी है, क्योंकि आपकी आइज़ को बहुत ही सूदिंग लगता है ग्रीनरी आपको जब सामने दिख जाती है। एंड यहाँ पे बात की जाए बालकनी की, काफ़ी डिसेंट स्पेस में आपको मिल रही है ये, आप यहाँ पे अपना सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, आराम से अपनी टी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। एंड जस्ट सामने यहाँ पे आपको टैप मिल जाता है वॉशिंग के लिए, सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपकी वॉशिंग के लिए, आप आराम से यहाँ पे कुछ भी अपना वॉशिंग कर सकते हैं। सो गाइस इसी के साथ हम यहाँ पे हमारी इस वीडियो को एंड करते हैं, और हमारा ये बिल्डर फ्लोर कैसा लगा आपको हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस बिल्डर फ्लोर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ऐसी आगे और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।